आप सभी को मालूम है कि नोटिफिकेशन जो है महाटीटी एग्जाम का आ चुका है। महाटीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एग्जाम जो होने वाला आपको 10 नवंबर को होने वाला है। फॉर्म जो है 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो 30 सितंबर तक फॉर्म जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है महाटीटी इन, उस पर भरा जाएगा। और इस बीच में आपको क्या करना है, टाइम अगर देखा जाए तो बहुत कम मिला हुआ है, सिर्फ 2 महीना वक्त मिला हुआ है जो गिनकर 60 दिन होते हैं। यानी हर दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है और डेली आपको कम से कम 3 से 4 घंटा स्पेशली देना पड़ेगा अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए आपको मालूम होगा कि जो टेट एग्जाम है ये दिसंबर में होने वाला है टेट एग्जाम। ठीक है, तो टेट एग्जाम जिसके जरिए जिला परिषद में या फिर आपका महानगर पालिका वगैरह जो होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वहां पे जो टीचरों की भर्ती की जाती है टेट एग्जाम के जरिए। और टेट एग्जाम में अगर आपको अपियर होना है तो टेट एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको सीटीईटी या फिर टीईटी या फिर सीटेट पास होना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जाम देने के लिए दोनों में से एक पास होना जरूरी है। अगर अभी तक आप सीटीईटी पास नहीं हो तो आपको टीईटी पास करना जरूरी है, क्योंकि दिसंबर में आपका जो टेट एग्जाम होगा, ठीक है, टेट एग्जाम कब होगा, ये दिसंबर में हो सकता है। अब दिसंबर में अगर टेट एग्जाम होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, दिसंबर में होगा, बहुत लेट होगा तो जनवरी में होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टीईटी पास नहीं हो और सीटेट का इंतजार कर रहे हो, इसका इंतजार कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में प्रॉब्लम क्या होगा मालूम आपको, आपको जो फॉर्म रहेगा टेट का जो फॉर्म होगा, इसका जो फॉर्म आएगा वो दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीईटी का एग्जाम जो है नवंबर में एग्जाम है ना, 10 नवंबर तक एग्जाम है, ये 10 नवंबर तक एग्जाम है, तो दिसंबर में इसका 1 महीने तक में रिजल्ट आ जाता है। तो 1 महीने में रिजल्ट आएगा 10-15 तक, उसके फौरन बाद नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का आ जाता है, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ जाता है। यानी दिसंबर के लास्ट में आखिर में जो आपका रहेगा टेट का जो रहेगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस हिसाब से आप अगर सीटेट का एग्जाम के वेट में बैठे हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आपको टीटी एग्जाम पर मेहनत करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और यह टीटी एग्जाम है उसको पास करना चाहिए। अगर आप टीटी पास करते हो तो आपको टेट एग्जाम में अच्छा और सुनहरा मौका मिल जाएगा बैठने का। याद रखिए टेट एग्जाम अभी कब हो रहा है, 2023 में स्टार्ट में हुआ था और 24 के बाद ये 24 में हो रहा है, लेकिन उसके बाद कब होगा नहीं मालूम। पहली बार टेट एग्जाम 2017 में हुआ, उसके बाद अभी 2023 में हुआ है, अब आगे कब होगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये अच्छा और बेहतरीन मौका है आपके पास कि टेट एग्जाम में अपियर होने के लिए कि आप टीटी पास कर लो। टीटी पास करते हो इसका बेनिफिट आपको टेट में मिलेगा। आप याद रखिए विथाउट टीटी अगर पहली से लेकर आप 8वीं तक पढ़ाना चाहते हो तो विथाउट टीटी आप टेट एग्जाम दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है, आपको हार्डवर्क की जरूरत है और कैसे भी करके आप टीटी पास करो। अगर आप सीटीटी पास हो तो आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पास अभी तक नहीं हो कोई भी एग्जाम, ना सीटीटी पास हो ना टीटी पास हो, तो आपको ये देना जरूरी है, बगैर इसके आप टेट एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। और टेट में अच्छी खासी भर्तियां निकलने वाली है, तो उर्दू मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लकी चांस है कि वो टेट एग्जाम दे और अच्छा खासा जॉब हासिल करे। अब क्या जूना जो पेंशन वगैरह था वो भी अप्लाई हो गया, पेंशन पहले खत्म था अप्लाई हो गया, तो किस्मत भी अच्छी रहेगी आपकी। देखिए हम लोग भी बैच स्टार्ट कर दिए, बस 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है बैच को स्टार्ट किए हुए और पूरा का पूरा एक बेहतरीन बैच चला रहे हैं, जिसके अंदर अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में इंग्लिश और उर्दू मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या फिर आप उर्दू मीडियम हो, तो दोनों मीडियम के लिए ये है। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे और क्या रहेंगे, सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे आपको, मैथ, सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, उर्दू, ये पूरे सब्जेक्ट रहेंगे। मराठी मीडियम हो तो आप लेक्चर जो होंगे इंग्लिश और उर्दू में होंगे। ठीक है, और इसमें मराठी का नोट्स भी रहेगा, वो भी आपको मिलेगा, मराठी का नोट्स और मराठी का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी मिल जाएगा, लाइव लेक्चर मराठी का नहीं रहेगा। पेपर सेकंड के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो पेपर सेकंड के अंदर भी सेम चीज हम लोग दस्तयाब करा रहे हैं आपको, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब क्या, पहले आपका लाइव लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, यानी उस वक्त अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो बाद में भी देख सकते हो। याद रखिए एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ, सीडीपी, साइंस, इंग्लिश और उर्दू मिलेंगे और मराठी मिलेगा। मराठी किस में रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। तो अगर आप
ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकती हो। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यानी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लास का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पे जाकर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। खास बात यह है कि अभी ऑफर टाइम चल रहा है, जो फीस 2999 रुपये थी वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो कुछ दिनों तक ये ऑफर चलेगा, इसका फायदा आप उठा सकते हो। यानी सिर्फ 1999 में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए, फौरन इसको परचेस कर लीजिए। कुछ अगर आपको डाउट है तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 8999004902। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, तो मुझे इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बैच रिलेटेड जो भी है, बैच लेने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं आपको ग्रुप वगैरह में ज्वाइन कर दूं। इसके अलावा अगर कुछ आपको अपडेट्स वगैरह चाहिए कोई भी एग्जाम रिलेटेड, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए टीटी का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आप उसे हासिल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।